प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे नैतिक शिक्षा की वर्कशीट, सप्ताह है 12, कक्षा है चतुर्थ। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबा करके सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देश प्रेम, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम ना आए, कोई शाम आए मेरी ज़िंदगी भी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का ना फिक्र है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का काश उनमें मेरा भी नाम आए। तो देखिए बच्चों यहाँ बोला गया है, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में भी मेरे वतन के काम आए, मेरी ज़िंदगी भी मेरे देश के काम आए। ना मरने का खौफ हो ना जन्नत की फिक्र हो, लेकिन जब भी जिक्र हो शहीदों का जो हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, काश उनमें मेरा भी नाम आए। वंदे मातरम। देखिए बच्चों यहाँ रंगानाथन को 7 दिन से होश नहीं आया था। वह अस्पताल में किसी दुर्घटना या किसी झगड़े की वजह से चोटिल होकर भर्ती नहीं था। उसकी ये हालत उसकी दिलेरी और समझदारी के कारण हुई थी। रंगनाथन 4th कक्षा में पढ़ने वाला 10 साल का एक खुशमिशाद बच्चा था। विद्यालय के हर कार्य में वह हमेशा आगे ही रहता था। पढ़ने के साथ साथ वह घूमने का भी शौकीन था। तो देखिए बच्चों रंगनाथन एक बच्चा है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। पिछले सप्ताह वह स्कूल का काम करके अपने दोस्तों के साथ गाँव से कुछ दूर निकल आया था। मौसम सुहावना होने के कारण वह अपने दोस्तों से अलग हो गया था। वहाँ चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। उसे थोड़ी दूरी पर एक जीप दिखाई दी। उसमें से 2 लोग एक बड़ा सा बक्सा एक गड्ढे से निकाल कर जीप में रख रहे थे। पीछे से एक आदमी ने आकर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध कर जीप में डाल दिया। रंगनाथन ने कोशिश करके अपने आप को आज़ाद कर लिया। वह जीप में हथियारों और बमों से भरे बक्से को देखकर डर गया। उसे लगा कि ये लोग बम से शहर में धमाका करने वाले हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा है। उसने अपने आप को संभाला। वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने फिल्मों में देखा था कि बम की पिन को खींचा जाए तो वह फट जाता है। उसने हिम्मत करके बम को उठाया और उसकी पिन को खींच दिया और जीप से कूद गया। जीप में धमाका हो गया, जिससे उसमें बैठे लोगों के बक्से समेत परखचे उड़ गए। लेकिन रंगनाथन भी धमाके की चपेट में आ गया। उसके होश आने पर पुलिस व लोगों ने उसकी बहादुरी में सूझबूझ की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। रंगनाथन के दोस्तों को भी रंगनाथन पर गर्व था। तो देखिए बच्चों यहाँ एक रंगनाथन जो बच्चा था उसकी कहानी आप सभी को यहाँ पे बताई गई है कि किस तरह वो खेलता खेलता कहाँ चले गया था। उसने लोगों को देखा और फिर उसने किस तरह से जो फिल्मों में दिखाया जाता है इस तरह से बम की उसने पिन को खींचा और धमाका किया और एक बड़ा धमाका होने से सभी लोगों की ज़िंदगी बचाई। दिए गए चित्र में रंग भरे। बच्चों अब देखिए आप सभी को यहाँ एक चित्र दिया गया है, तो आप सभी इस चित्र में रंग भरे सुंदर सा। इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।